brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. चुनाव की आहट के साथ ही कई तरह की अफवाहें भी दस्तक देने लगती है। आज बात करेंगे कांग्रेस की रैली की, जिसको लेकर दावा है कि इस रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। दावे को सही साबित करने के लिए सबूत पेश किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने का दावा करते इस वीडियो में एक रैली निकलती दिख रही है। रैली में शामिल लोगों के हाथ में हरे झंडे हैं। चांद तारों का प्रिंट होने की वजह से इसे पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। साथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कटआउट है। अभी वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि केरल में एक घंटे कांग्रेस का प्रचार, केवल पाकिस्तानी झंडे। इस दावे से माहौल बिगड़ने की संभावना थी, इसीलिए हमारी सहयोगी आज तक की फैक्ट चेक टीम ने सच का पता लगाया। पता चला कि वीडियो को लेकर हो रहा दावा पूरी तरह गलत है। कैसे पता चला ये भी बता देते हैं। फैक्ट चेक टीम ने पाया कि पाकिस्तानी झंडे में चांद तारे का साइज बड़ा और बीच में होता है, साथ में एक सफेद पट्टी भी होती है, लेकिन वायरल वीडियो में दिख रहे झंडे में सिर्फ चांद तारे का प्रिंट दिख रहा था। थोड़ी सर्चिंग के बाद पता चला कि झंडा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है, यानी कि IUML का। केरल में IUML कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है। टीम को कुछ कमेंट्स भी मिले जिसमें कहा गया कि रैली को केरल के त्रिशूर से कांग्रेस उम्मीदवार के मुरलीधरन की है। मौजूदा वक्त में मुरलीधरन वटकारा से कांग्रेस के सांसद हैं। 19 अप्रैल 2019 का एक फेसबुक पोस्ट भी मिला, कैप्शन में मुरलीधरन और वटकारा में हुई इस रैली का जिक्र है। खास बात यह है कि ये पोस्ट उस वक्त शेयर हुआ जब देश में 2019 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अब क्योंकि केरल में कांग्रेस और IUML साथ में चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए पार्टी के झंडे भी मौजूद हैं। फैक्ट चेक में कांग्रेस की रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराने का दावा गलत साबित हुआ है। देश किसका की फैक्ट चेक सीरीज में अगर आप चाहते हैं किसी भी वायरल वीडियो फोटो की सच्चाई पता की जाए, तो आप जरूर कमेंट्स में लिख भेजिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स पर लिखकर जरूर अपनी राय भी दें। और देखते रहिए न्यूज़ तक।